नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, हम लोग आज देखने वाले हैं कि टेस्ट कैसे होता है। तो दोस्तों, हम लोग का ही आज टेस्ट है, तो वही देखने वाले दोस्तों हम लोग आए आज वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या क्या देखने मिलता है आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों का टेस्ट शुरू हो गया है। और दोस्तों, ये जो है आज क्लाइंट टेस्ट है, मतलब जो होता है कि कहीं का कोई क्लाइंट आता है तो वो टेस्ट लेता है, तो वो दोस्तों टेस्ट है आज। तो देखिए दोस्तों, रूट तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि दोस्तों कोई कमरा पकड़ने मोबाइल पकड़ने में कोई था नहीं, कोई पकड़ने वाला मोबाइल को, तो इसके लिए नहीं पूरा वीडियो बना पा रहा हूँ मैं, पर आधा से वीडियो बना रहा हूँ मैं। और दोस्तों, लंबा वीडियो भी नहीं, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं। तो देखिए दोस्तों, रूट हो गया हॉल पास। दोस्तों अभी वेल्डिंग कर रहे हैं अभी सिस्टम, दोस्तों हॉल पास स्पून चल रहा है देखिए। और देखिए दोस्तों, रूट जो है दोस्तों, पहले फर्स्ट में रूट होता है, तो रूट होने के बाद में रूट देखता है, चेक करता है क्लाइंट आकर के। तो दोस्तों, मैं रूट होके हो गया, रूट में कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, हम लोग लगभग 5-6 आदमी टेस्ट मार रहे हैं, तो दो मैं इधर ही मार रहा हूँ, दो आदमी इधर हम लोग हैं, और 3-4 आदमी अंदर मार रहे हैं। तो जो बूथ के अंदर में जहाँ पे आपको दिख रहा हो, जहाँ टेस्ट मार, उसके बगल में लेफ्ट, उसके राइट साइड में दिख रहा हो आपको एक सेट लगा हुआ है। तो दोस्तों, उधर ही वो लोग टेस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं और टेस्ट मार रहे हैं वो लोग। तो देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों मैं इसका हॉल पास मार रहा हूँ, हॉल पास वेल्डिंग हो रहा है इस टाइम। तो देखिए दोस्तों, रूट हो गया, तो हॉल पास वेल्डिंग करने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, जिस तरह से अभी मैं इसको हॉल पास वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी हॉल पास वेल्डिंग करने के लिए अभी भी कम, ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, बहुत कम पावर चाहिए। मतलब अगर आप 100 में अगर आप रूट वेल्डिंग किए हैं, अगर रूट वेल्डिंग किए हैं अगर, तो आपको 125 में अगर रख रहे हैं तो हॉल पास हो जाएगा आपको। और ज़्यादा पावर मत लीजिए, कभी भी ज़्यादा पावर लीजिएगा तो क्या होगा, जो रूट है वो जल जाएगा अंदर से, तो दोस्तों वो दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, इधर वेल्डिंग करने का तरीका दोस्तों क्या है, इस साइड में वेल्डिंग हो गया अच्छा से, और उसके बाद दोस्तों उल्टा साइड उठाने के लिए वेल्डिंग, कभी भी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इधर से झोंक करके तब वेल्डिंग उठाना आसान रहेगा उठाने के लिए, नहीं तो उस साइड में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा उस साइड में। देखिए दोस्तों, अभी इस टाइम में हम लोग का, देखिए दोस्तों, रूट चल रहा है, हॉल पास चल रहा है इसमें। और दोस्तों, मैं सोचता हूँ और जितना ज़्यादा हो सके उतना हार्ड, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अगर वेल्डिंग ज़्यादा मोटा वेल्डिंग करते तो हम लोग को आर्क वेल्डिंग करने के लिए आसान रहेगा। इसके लिए कि अगर आर्गन हम लोग मोटा मार देते हैं तो उसमें टेंशन नहीं है, हो सकता है कि फिलअप भी कर देते हैं अगर, तो भी अच्छा, और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों कोशिश कीजिए तो फिलअप भी हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं इसमें अभी रूट हो गया, मेरा हॉल पास हो गया है, दोस्तों दूसरा पास में वेल्डिंग कर रहा हूँ मैं इसमें। वीडियो को मैं थोड़ा सा कटिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए, इसके लिए मैं तो कटिंग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी इतना हो गया, अभी देखिए दोस्तों हॉल पास में पास दूसरा पास चल रहा है। दोस्तों पतला वेल्डिंग कर रहा हूँ उसके लिए, कि ताकि जो अंदर कुछ सलेक वलेक रहेगा तब वो सब निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो में कटिंग कर दिया हूँ दोस्तों, वीडियो दोस्तों पूरा हो चुका है, टेस्ट सब हो चुका है। और दोस्तों पीस यहाँ पर रेडी होकर पीस आ गया, देखिए दोस्तों ऐसा है, वो ऐसा टेस्ट पीस हम लोग वेल्डिंग किए हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला जो पीस जो है, ये वाला पीस मेरा ही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से पीस को वेल्डिंग करके रखा जाता है। देखिए दोस्तों, वेल्डर नंबर वहाँ रखा हुआ लिखा हुआ है 506, देखिए दोस्तों वो वेल्डर नंबर मेरा ही है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला पीस बहुत अच्छा पीस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है पीस में, ठीक है पीस वेल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, और क्लाइंट आकर क्लाइंट ओके भी करके चला गया, मतलब पीस ओके पास हो गया, पीस कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा दोस्तों टेस्ट होता है, ऐसा दोस्तों टेस्ट हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा जो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन घंटी है वो जरूर दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, रूट देखिए कितना अच्छा है दोस्तों, रूट कितना अच्छा है दोस्तों है। देखिए दोस्तों, रूट सभी का दोस्तों बहुत अच्छा रूट है, जितना भी पीस, जितना भी बेल्टर वेल्डिंग किए हैं यहाँ पे, सबका ही पीस अच्छा आया है। देखिए दोस्तों, ये वाला भी देख टू है, ये वाला भी दोस्तों है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी सबका रूट दोस्तों अच्छा है, जो जितना भी वेल्डर वेल्डिंग किए हैं सबका रूट अच्छा आया है, सभी का रूट और कैपिंग। दोस्तों ये 2 इंच का SS का पाइप है, ये दूसरे आदमी का पाइप है ये। देखिए दोस्तों, यहाँ देखो कितना बिल्डर, देखिए दोस्तों वेल्डिंग किए हैं, टेस्ट मारे हैं। देखिए दोस्तों, 5-6 दिन बताया था मैं आपको, 5-6 दिन मारे हैं टेस्ट मारे हैं। देखिए दोस्तों, सभी आदमी का पीस यहाँ पे आ गया है, सभी आदमी का,
और दोस्तों रात को इसका आरटी होना है। और दोस्तों ये